हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और अब बात कर लेते हैं गुजरात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय कर लिया है कि गुजरात में केवल सीएम नहीं, अब पूरी सरकार बदली जाएगी। 22 के 22 मंत्री बदले जाएंगे। गांधीनगर में कल दोपहर बाद 1:30 बजे भूपेंद्र पटेल सरकार के कैबिनेट की शपथ ग्रहण होगी। रूपाणी सरकार में रहे मंत्रियों की धड़कन बढ़ी हुई है, उनके लिए आज की रात कयामत की रात हो सकती है। पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिशें जारी हैं, मगर मोदी ने तय कर लिया है कि प्रेशर में नहीं आना है, होगा वही जो वो चाहेंगे। भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल साची निष्ठा श्रद्धा श्रद्धा ने निष्ठा धरावी सत्ता की सियासत में एक्सपेरिमेंट के मास्टर हैं मोदी। 2 दिन पहले गुजरात ने एक चौंकाने वाला एक्सपेरिमेंट देखा। पहली बार का विधायक अनजान सा विनम्र चेहरा सत्ता के शीर्ष पर आ गया, यकायक सूबे का सीएम बन गया। दो दिन बाद गांधीनगर में एक और खबर सरगर्म हुई, पूरी सरकार का चेहरा बदला जाएगा। रूपाणी सरकार के सारे मंत्री बदले जाएंगे, पटेल सरकार में सारे 22 नए चेहरे आएंगे। 22 की जगह 27 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इश्तहारों की जबान में कहें तो मोदी का संदेश साफ था, सारे घर के बदल डालूंगा। ये जितना कठिन प्रयोग था उससे कठिन फैसला। पार्टी के अंदर से असंतोष के बुलबुले फूटे, नेतृत्व ने उससे कठोर फैसला लिया। राजभवन में शपथ ग्रहण का तयशुदा कार्यक्रम तब्दील हो गया। पुख्ता सूचना थी कि पार्टी पूरी तरह नो रिपीटेशन थ्योरी को इंप्लीमेंट करने जा रही है, यानी जो मौजूदा मंत्रिमंडल था, रूपाणी सरकार का जो मंत्रिमंडल था, उस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को ही बदला जाने की जो पेशकश की गई थी, इनफैक्ट उस पर डिसीजन भी हो गया है। और इसी वजह से बीजेपी में कई जो एमएलएज हैं और कई जो पूर्व मंत्री हैं वो नाराज चल रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी जो है कोई बहुत बड़ा उससे फेरबदल नहीं हो सकता है, कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट उससे नहीं पड़ सकता है, लेकिन एक बार फिर से पुनर्विचार किया जा रहा है पार्टी द्वारा। और हो सकता है प्रधानमंत्री के लेवल पर भी इस पूरे इशू की चर्चा हो, और शायद हमें लगता है उसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा। पीएम मोदी का ये वही अंदाज है जिसका देश कायल है। जिस डगर चलने का फैसला लिया उससे दबाव में पीछे नहीं हटना। सीएम है तो सरकार है, बहुमत है तो सत्ता है, शपथ ग्रहण के लिए समझौता नहीं होगा। हर कोई कोशिश कर रहा है कि उसका स्थान जो है वो इस मंत्रिमंडल में आए। जो पुराने मंत्री हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से वो कन्विंस कर पाए सेंट्रल लीडरशिप को और उन्हें दोबारा चांस मिल जाए। लेकिन एक बार हमने ये देखा है कि जब नरेंद्र मोदी कोई डिसीजन ले लेते हैं उसे बदल पाना लगभग मुश्किल हो जाता है, लगभग नामुमकिन सा दिखता है। और शायद यही वजह है कि पार्टी अपने स्टैंड पे कायम है, लेकिन इस वक्त की जो परिस्थिति है हो सकता है कोई नई पॉसिबिलिटी उभर करके आए या फिर कोई स्टैंड में चेंज हो, तो अभी उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन अभी जो पुख्ता सूचना है वो ये है कि नो रिपीटेशन थ्योरी को फुल्ली इंप्लीमेंट किया जाएगा, 100% इंप्लीमेंट किया जाएगा, और इसी वजह से फिलहाल इस डिसीजन को पोस्टपोन किया गया है। शपथ समारोह आज तो कम से कम नहीं होगा। सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी का कायांतरण किया है। पार्टी की इलेक्शन मशीन कभी शांत नहीं बैठती। आप 2022 की पहली तिहाई और आखिरी तिहाई के असेंबली चुनावों में उलझे। मोदी की दूरदृष्टि अभी से 2024 की चुनावी चिड़िया पर गड़ी है, लिहाजा मोदी के यहाँ कोई बदलाव बस बदलाव के लिए नहीं होता। मतलब साफ है, जो साबित करेगा वही बचेगा। इसे परिवर्तन की दो समानांतर धाराओं में देखिए। पहले बात मोदी मंत्रिमंडल की कर लेते हैं। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद, सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक एक झटके में पूर्व हो गए और अक्रॉस द पार्टी लाइन, लेकिन दिल्ली का सियासी सर्कल हक्का बक्का रह गया।
अंग्रेजी में एक कहावत बहुत प्रचलित है, चेंज जस्ट फॉर द सेक ऑफ चेंज। लेकिन ये कहावत पीएम मोदी के यहाँ नहीं चलती। चाहे कोई कितना भी पुराना नेता क्यों ना हो, किसी भी प्रभावशाली जाति या समुदाय से बिलोंग क्यों ना करता हो, किसी इलाके का क्षत्रप ही क्यों ना हो, पीएम मोदी इन सारी बातों की परवाह नहीं करते। उनका ध्यान सिर्फ नतीजों और परफॉर्मेंस पर रहता है। पीएम मोदी की नज़र में अगर किसी का परफॉर्मेंस खरा नहीं उतरता तो वो श्रद्धा का पात्र तो हो सकता है लेकिन सत्ता का नहीं। जो चेहरे एक्टिव हैं केवल वही चलेंगे, पुराने चेहरों में वही बचेंगे जिन्होंने खुद को साबित किया हो। पीएम मोदी ने नए चेहरों का खुले दिल से स्वागत किया और अगली ही मुलाकात में उन्हें पुराने चेहरों से सीख लेने और उनका सम्मान करने की नसीहत भी दी। अब आइए जरा मुख्यमंत्रियों में हुए बदलाव पर नजर डालिए। असम से लेकर उत्तराखंड तक आपको एक ही पैटर्न नजर आएगा। असम में सर्वानंद सोनोवाल को हटाकर हिमंत बिस्व शर्मा, उत्तराखंड में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके बाद तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर धामी, और सबसे ताजा बदलाव गुजरात में विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल। चर्चा है कि भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में जितने मुख्यमंत्री मौजूद थे उन सबकी सीट फिलहाल सुरक्षित है, मगर इस समारोह में न जाने वालों में हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी हैं, जिन्हें हाल ही में दिल्ली तलब किया गया था। माना जा रहा है कि सीएम की जिन कुर्सियों पर तलवार लटकी है उनमें जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के बिप्लब देव हैं। त्रिपुरा में ममता बनर्जी की टीएमसी तेजी से पांव पसार रही है। पीएम मोदी की परिवर्तन वाली मुहिम की हनक कितनी है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बयान से समझिए। समस्या सबके सामने है, पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है, किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं, वो चिंता। लेकिन इस माहौल में भी जिन्होंने खुद को साबित किया वो टिके हैं और आगे भी टिके रहेंगे। इसका सबसे बड़ा सबूत है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। चाहे राम मंदिर के निर्माण का संकल्प हो या फिर कोरोना काल में जनसेवा का प्रकल्प, प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज हो या माफिया पर लगाम, सीएम योगी ने खुद को साबित किया, जिसकी वजह से प्रदेश में निवेश बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के हर छोटे बड़े निवेशक के लिए बहुत आकर्षक स्थान बनता जा रहा है। आज उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का बहुत बड़ा उदाहरण है। योगी जी और उनकी पूरी टीम ने सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के मंत्र पर चलते हुए उत्तर प्रदेश को नई भूमिका के लिए तैयार किया है। एक बार फिर गुजरात की ओर लौटते हैं। गुजरात में टोटल चेंज के पीछे प्रधानमंत्री मोदी की सोच का लेवल अलग है। अगर कुछ चीजों के लिए विजय रूपाणी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है तो क्या इसके लिए उनकी कैबिनेट की जिम्मेदारी कम हो जाती है? पूर्व डिप्टी सीएम नितिन पटेल को ज्यादा ही नाराज बताए जाते हैं। इसकी वजह दूसरी बार सीएम बनने का उनका सपना टूटना है। पार्टी की सोच यह है कि अगर एक पाटीदार को सीएम बना दिया गया तो बाकी आधा दर्जन से ज्यादा समुदायों को भी समायोजित करना होगा। सीएम और डिप्टी सीएम दोनों पाटीदार नहीं हो सकते। मोदी की सोच इस समायोजन से आगे नए चेहरों को अवसर देने तक जाती है जो पूरी सरकार का चेहरा बदल दे। Hi, I'm Surbhi Sharma. खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।